विनय सर नमस्कार सभी उपस्थित है सर सरवर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आज प्रभारी सचिव महोदय की अध्यक्षता में जिले के समस्त एसडीएम बीडीओ और डीवाईएसपी और ब्लॉक सीएमएचओस के साथ एक विशी ली गई है कोविड के लिए जो तैयारियाँ की जा रही है उसके संबंध में हमने एक समीक्षा बैठक रखा था आने वाले समय में रमजान और अक्षय तृतीया के जो पर्व आ रहे हैं उस समय जो है हमें लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में जो सख्ती की जानी है जो उनसे बातें की जानी हैं सभी धर्म समुदाय विशेष को और ताकि लॉकडाउन की पालना हो सके इसके साथ साथ जो एनएफएसए का राशन वितरण हो रहा है जो उचित मूल्य के दुकानदार हैं जो राशन वितरण कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने ये निर्देशित किया है कि सभी एसडीएम और बीडीओ वगैरह अपनी टीम बना करके उनको समय समय पर जाकर उनका निरीक्षण करें और ये देखें कि वो टाइमली वितरण हो और घर घर जाके राशन डिलीवर करने के आदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उसकी पालना हो कोई भी व्यक्ति जो है ज़्यादातर लोगों को अगर किसी को पता नहीं है कि अब 10 किलो राशन गेहूँ मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति पे जो कि पहले 5 था तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए उसकी पालना होनी चाहिए उसके फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन हो इसके साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर्स और शेल्टर होम्स में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेजर्स जितने हैं वो सख्ती से उनकी पालना हो लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना हो ये सारे निर्देश हम लोगों ने दिए हैं और उम्मीद करते हैं इसके अच्छे से हम पालना करें लगातार आप निर्देश दे रहे हैं लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं फिर भी इतने समय बाद भी लोगों को अधिकारियों को वापस चेताया जा रहा है फटकार लगाया जा रहा है नहीं बिल्कुल ये तो एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि जब तक ये कोविड का चलेगा तब तक हमें जागरूक रहना है ऑफिसर्स को फील्ड में जाना है और जो सिविल सप्लाईज़ के जो हैं जो हमें मुफ्त में गेहूं और ये सारी चीज़ें हैं ये ठीक से इसकी पालना हो बाकी कोविड का जो ऑपरेशन चल रहा है जो स्क्रीनिंग और जो टेस्टिंग वगैरह के साथ साथ उनको समय पे उनकी जांच हो जाए और उनकी ट्रीटमेंट हो जाए तो ये तो होता चल रहा है ये सतत प्रक्रिया है पर जो राशन की सामग्री है और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सिविल सप्लाईज़ की जो सिस्टम है वो अच्छे से वो भी एक पैरेलल एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है उसकी पालना हो यही हमारा उद्देश्य है। अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं आई है और हमने ये कहा है कि आप प्रोएक्टिव होकर काम करें मतलब जो समस्या आए उसके पहले ही हम जा करके उसका समाधान कर लें क्या